मैंने अभी आपको बताया हैंड मूवमेंट, किक, शोल्डर मूवमेंट, हेड की पोजीशन, ये चार चीज़ों की, ये चार चीज़ ही होती है मेन। तो ये सारी टेक्निक मैंने आपको बता दी। अब मैं बताता हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि आप और हाँ एक चीज़ और, जो नाक में पानी चला जाता है उसके लिए क्या करना है, उसमें एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। जब भी आप बैक स्ट्रोक कर रहे हो, जैसे बैक स्ट्रोक कर रहे हो तो अगर आपको बबलिंग करनी है तो आप साइड में बस कर सकते हैं, जैसे ये है, इस तरह बबलिंग आप कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ है ना, जब आप हैंड रोटेट करेंगे ये आप शुरू में कर सकते हैं जब आप सीख रहे हो, फिर जब आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको बबलिंग की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। क्यों, और दूसरी चीज़ था कि अब इसकी किक कैसे करनी है। मतलब जैसे अब आपको मैंने सारी टेक्निक तो बता दी, तो पहला स्टेप तो आपका यही रहेगा कि आपको इससे पकड़ के, ये जो सीढ़ी है, वॉल है, तो इसको पकड़ के आपको अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करना और किक करनी है ऐसे। घुसना ज़्यादा मोड़ना नहीं है, घुसना ये इस तरह नहीं करना, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी बॉडी सीधे रखिए और इस तरह करिए। पंजा इसमें भी इस तरह रहेगा, पंजा जो रहेगा वो तो पंजा आपका इस तरह नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि पावर लगा रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। आपको इस तरह करना है, जिस तरह आपने नाव का चप्पू देखा है ना, एकदम इसे स्ट्रेट रहता है, तो इस तरह से करके आपको किक करनी है, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो किक आपको पहले यहाँ प्रैक्टिस कर लेनी है, जब इसमें आपका अच्छा खासा हो जाए, स्टेमिना बन जाए, तो आपको एक किक बोर्ड पकड़ना है। आप किसी तरह भी पकड़ सकते हैं, इस तरह पकड़ लें, इस तरह पकड़ लें, बहुत लोग इसी तरह पकड़ते हैं, हल्का सा बस सपोर्ट लेते हैं। अब एक चीज़ और, एक बोर्ड को दबाना नहीं है इस पर अपना, इसको ये सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है कि आपकी बॉडी बस हल्की सी ऊपर रहे, कि इतना रहे कि आप ब्रीथ ले लें। ये नहीं कि बहुत लोग इसे चढ़ जाते हैं इसी पे और फिर डूब जाते हैं, कहते हैं कि इस सर ये तो बचा ही नहीं रहा, तो इसे बचाने के लिए नहीं होता, ये आपको बस सपोर्ट देता है हल्का सा। तो किक कैसे करना है, आपको इसको इस तरह पकड़ना है, मैं इस जनरली इस तरह प्रेफर करता हूँ, और फिर हल्के से बॉडी को ऐसे पुश करना और ऐसे ऐसे किक करना। आपको ध्यान देना है, जो किक बोर्ड मैंने पकड़ा है इसको दबाना नहीं है, इस तरह दबाएंगे तो नीचे चला जाएगा, आपको बस हल्के से सपोर्ट देना है, पूरी पावर आपकी किक की होनी चाहिए। देखिए मेरा घुटना अगर ऐसे मुड़ेगा ना तो देखिए मैं उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ूंगा, बॉडी सीधे और इस तरह देखिए उसको, अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो और तेज़ी से तेज हो जाएगा, जितनी इंटेंसिटी रहेगी उतनी तेज आपकी स्पीड रहेगी। तो अभी फिर से मैं दिखाता हूँ, आप देखिएगा, शुरू में आप नॉर्मली करिए, टेक्निक अच्छी रहनी चाहिए, देन उसके बाद आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाइए किक की, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, पहले आपको नॉर्मल ही करना है, सही टेक्निक के साथ करना है, और जब आप धीरे धीरे आ जाएगा 8-10 राउंड लगाएंगे, उसके बाद आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है, और बॉडी जितनी सीधी हो पाए उतनी सीधी करके ही किक करनी है, लहराना नहीं है बॉडी को। तो ये हो गया किक, इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे किक की, तो यही आपको बेनिफिट देगा बैक स्ट्रोक को अच्छे से करने में।